हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नया CRS-101 कंट्रोलर, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंट्रोलर है अराउंड द वर्ल्ड और काफी अच्छे फीचर्स हैं, तो वो हम लोगों ने आप स्पेशली इंपोर्ट किया हुआ है और काफी इसके इंडियन मार्केट में काफी डिमांड्स आ रहे हैं और हम लोगों ने इसके लिए स्पेशली सप्लाई चालू की है और इसकी सर्विसेज मिल रही है। वारंटी अच्छी आती है, 1 ईयर की वारंटी है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट बहुत अच्छा है, कवरेज बहुत अच्छा है। CID में बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इससे पहले, जो हमारे जो और भी कंट्रोलर्स थे जो इंडियन CIDM सेगमेंट से जो मशीनें काम कर रही है उसमें काफी आप लोगों को दिक्कत आई है। डेल्फी को लेके आप लोगों ने काफी परेशान रहा, सीमेंस को लेके काफी परेशान रहा, तो वो सबका ये ऑल इन वन सॉल्यूशन जो देता है वो ये मशीन है। तो थोड़ा सा हम प्रेजेंट करेंगे, इस मशीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं इस मशीन में क्या फीचर्स है और इस मशीन में हमको क्या मिलता है। तो मैं स्क्रीन पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको सिंगल मशीन में अपन फोकस कर लेते हैं इस वाली मशीन पे और इसमें देखते हैं कि स्पेशली क्या फीचर्स है। इसके साथ फ्लो मीटर आता है साथ में, इसके चलते क्या होती है सारी रीडिंग्स आपको ऑन द स्क्रीन दिख रही है, आपको एडिशनल कहीं भी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि फ्लो मीटर है तो एक्यूरेसी का यह खास बात रहती है कि इसमें एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलती है, मतलब जो रिजल्ट शो कर रहा है वो एक्यूरेट रिजल्ट है, आपको इसमें कहीं कोई शंका वाली बात नहीं होती है, तो वो एग्जैक्ट मिलता है। बस ये चीज है कि आपको या तो कैलिब्रेशन ऑयल यूज करना पड़ेगा या फिर आपको इसके लिए डीजल क्लीनिंग होना चाहिए, मतलब अगर आपने डीजल में कचरा है, गंदगी है, तो वो क्या करेगा आपके फ्लो मीटर में कचरा आ जाएगा और उसके चलते फिर आपकी वो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाएगी, वो गलत रीडिंग देने लगेगा, तो उसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस मशीन के साथ में। तो हम चलते हैं इसके फीचर्स के ऊपर, इसमें क्या क्या दिया डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए CR इंजेक्टर्स का इसने दिया हुआ है ऑलरेडी, इस जगह पर इसने CR पंप दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए HP हाई प्रेशर पंप दिया है 320D जो कि कैटरपिलर एप्लीकेशन उसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए हैं PT पंप्स इनके। यहाँ पे देखिए ये एक एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिल दिया है जो लोग काम कर रहे हैं CR में और वो स्विच करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पंप में, तो ये फीचर्स आपको मिलता है। और सबसे बेहतरीन फीचर जो मुझे ये लगा, ये इसमें कोडिंग के फीचर्स दे दिया है इसने, मतलब ऑलरेडी हम लोग काफ़ी समय से लंबे समय से ये चल रहा है कि हम इंजेक्टर्स बना रहे हैं, बट इंजेक्टर बनाने के बाद जब उसको गाड़ी में लगाया जाता है तो नॉकिंग साउंड्स आते हैं, तो नॉकिंग साउंड इसलिए आते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो इंजेक्टर का रेजिस्टेंस रहता है उसमें काफ़ी पुराना होने के बाद वो डाउन हो चुका रहता है, और चूंकि कोडिंग करने के बाद भी न्यू कोड तो आपके पास रहता नहीं है, ऑलरेडी जो इंजेक्टर के ऊपर कोडिंग रहता है उसी कोड को लेकर आप फिर से चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नए की कोडिंग चढ़ती है क्योंकि ये तो हो चुका है पुराना, तो कहीं ना कहीं आपको नॉकिंग और परफॉर्मेंस वीक तो आपको मिलेगा ही। तो इस जगह पे आपको जब टेस्टिंग में जाएंगे तो आपको एडिशनल आपको कोडिंग के फंक्शन मिलते हैं, आपको नया कोड जनरेट होता है और उस कोड को जब आप स्कैनर के माध्यम से इंजेक्टर कोडिंग करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, गाड़ी आपकी स्मूथ हो जाएगी। एक एडिशनल है AHE टेस्टर, आपको अलग से लेना पड़ता है, वो इसी के अंदर आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CR इंजेक्टर्स की। CR इंजेक्टर्स हम लोग देखते हैं कि इस मशीन में क्या दिया है। मैंने इसमें माउस कनेक्ट करके रखा हुआ है और आप मैनुअल इसमें टच स्क्रीन भी फंक्शंस है, तो फिर भी हम रिकमेंड करेंगे क्योंकि हमारे जो लाइंस हैं डीजल मैकेनिक की लाइन है, इसमें काफ़ी हाथ में डीजल्स के लगे रहते हैं, इसके चलते स्क्रीन खराब हो सकती है, तो मैं प्रीफर करूँगा आप माउस को यूज़ करें। देखते हैं इसमें क्या फीचर्स। ओके, यहाँ पर देखिए आपको टाइप पिन दिया है, पार्ट नंबर आप बॉश है, डेंसो है, सीमेंस है, डेल्फी है, कैटरपिलर्स है, कमिंस है, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, इस जगह पे आपको कीबोर्ड का फंक्शन मिलता है, तो ये एक आपको फंक्शन मिल गया कीबोर्ड का, इससे आप इंजेक्टर नंबर लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मैंने बॉश की बात की, तो बॉश के किसी एक पर्टिकुलर इंजेक्टर्स को मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या है इसमें और फीचर। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक जैसे बॉश के पर्टिकुलर नंबर को मैंने सेलेक्ट किया है, तो रेगुलर हम इसको सेट करते हैं, ये कंटिन्यूस में डेटा है। और एक और चीज़ है, आपको रेगुलर अपडेट भी इस मशीन में आता है, इसमें दिया हुआ इंटरफेस जिससे हम कनेक्ट होकर ऑलरेडी आपको अपडेट देते रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसी इंजेक्टर्स की, तो इसमें एक फीचर्स आपको ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको वाल का नंबर मिल गया, यहाँ आपको नोजल नंबर मिल गया और यहाँ पे रिप्लेसमेंट पार्ट नंबर मिल गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट में क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे स्टेप्स में। ये देखिए अब ये नया आपको विंडो ओपन हो गया और इसमें सारी चीज़ें दी हुई है जानकारी, तो हम देखते हैं इसमें क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पे देखिए आपको पार्ट नंबर दे दिया और आपको ये सारे टेस्टिंग प्लान्स दिया है, लीक है, ये जितने भी प्लान्स होते हैं उसमें ये सिस्टमेटिक आपको ये करेगा और उसके बाद अगर वो सक्सेस है तो आपको ग्रीन है और वो अनसक्सेस है, फेलियर है रिपोर्ट, तो उस जगह पर वो रेड कर देता है, मार्क कर देता है। यहाँ पर देखिए आपको इंजेक्टर टेस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी सीरियल्स में आ गए इंजेक्टर्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए आपको ये दिया हुआ है, देखिए RPM का सिम्बॉल, तो ये आपकी RPMs को बताता है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप देखिएगा ये इंजेक्टर्स का स्प्रे का पैटर्न का पिक आपको दिख रहा है, तो ये आपको क्वांटिटी बताता है कि इंजेक्शन कितना हो रहा है,
ठीक है, यहां आपको दिख रहा है, ओके। अब ये देखिए इस जगह पे, देखिए यहां पे इसने दिया, ये अपनी रिटर्न की क्वांटिटी बताता है, मतलब यहां पे आपको इंजेक्शन क्वांटिटी पता चल गई, यहां पे आपको रिटर्न क्वांटिटी पता चल गई। अब ये देखिए यहां पे जिसने देखिए ये सिंबल दिया हुआ है रेल का, तो यहां आपको मेगा पास्कल का लिखा हुआ है, मतलब रेल में जो प्रेशर है वो इस जगह पे बता देगा। अब ये देखिए यहां पे बीप दिया है, ये रिस्पांस टाइम बताता है, मतलब आपने जब कमांड दिया है तो कितना देर में इंजेक्टर रिस्पांस करता है, ये बहुत अहम भूमिका दिखाता है, इसके चलते भी काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो हो गया। और ये सबसे लास्ट में ये और इंपॉर्टेंट चीज है, ये है आपका इंडक्टेंस, ये भी किसी भी सिमुलेटर मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया में चल रहे हैं ये फीचर्स नहीं है, इसने लेटेस्ट फीचर्स दिया है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासतौर से जब आप सीमेंस में काम कर रहे हो तो ये फीचर्स आपको मिलता है। अब इस जगह पे देखिए ये टाइमर सेटिंग है, मीन्स आपका जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर टाइमिंग का भी बताता है। यहां पे देखते हैं, यहां पे ये आपको वोल्टेज बता रहा है, वोल्टेज और बूस्ट वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए ये आपको जो चल रही है ड्यूटी साइकिल्स की चल रही है, तो इस जगह पे आपको ये मिल जाता है। यहां पे आपको डीजल का टेम्परेचर बताता है, इसमें एक एडिशनल आपको कॉर्ड दी गई है जो आपके डीजल के टेम्परेचर को चेक कर लेती है, और ये बहुत अच्छा फंक्शन मुझे लगा। यहां पे देखिए पंप का कितना एम्पियर रेटिंग है, डीआरवी का कितना एम्पियर रेटिंग है, और ये ड्यूटी साइकिल क्या चल रही है ये आपको बता देता है, और ये आपकी बता दे रहा है कि आपके पर्टिकुलर टैंक में कितना डीजल है, तो वो उसकी क्वांटिटी को भी बता देता है। अब यहां पे चलते हैं, ये क्या फीचर्स दिया हुआ है, यहां पे देखिए आपको दिया हुआ है क्लोज और ओपन का दिया हुआ है, ये अपनी एक टाइमिंग है, अगर इसको आप एक बार क्लिक करोगे तो 10 सेकंड के लिए आपकी प्रोसेस की टाइमिंग इंक्रीज हो जाती है, तो डिपेंड करता है अगर आप लेंथी प्रोसेस में जाना चाहते हैं या जैसा आपके हिसाब से आपको कुछ मॉडिफाइड करना चाहते हैं, तो अगर इसको क्लिक करेंगे तो 10 सेकंड ईच क्लिक में आपको इंक्रीज कर देगा। यहां पे आपको जब इंजेक्शन चालू होता है, जब आपने कमांड दे दिया, तो यहां पे आपको मेन क्वांटिटी यहां चालू होती है, इस जगह पे आपको रिटर्न की क्वांटिटी चालू होती है, इस जगह पे मैंने आपको बताया था जो हमारे सबसे खास चीज हमको जो मिलता है वो है इंडक्टेंस का, यहां पे मिलता है, और ये जगह पे आपको रिस्पांस रेट मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपने पूरे टेस्ट प्लान्स लगे हुए हैं जो सिस्टमेटिक काम करते हैं, मैंने आपको बताया ये कीबोर्ड्स हो गया, ये हेल्प की हो गया, ये सेटिंग के फंक्शन हो गए। यहां पे आपको फास्ट और नॉर्मल प्रोसेसिंग बताइए कि मशीन में आप जो काम कर रहे हो तो फास्ट अगर काम करना चाहते हो तो ये वार्म अप करके बाकी टेस्ट को बहुत फास्ट निपट करता है, और ये नॉर्मल मोड में काम करता है, स्टॉप फंक्शन है और ये बैक फंक्शन है और ये रिपोर्ट है, मतलब आप पर्टिकुलर किसी इंजेक्टर्स को आपने काम किया और कस्टमर आपको बोलता है कि आप हमें रिपोर्ट डेवलप करके दीजिए तो आप रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये रिव्यू लगा मुझे, काफ़ी अच्छी मशीन लगी और काफ़ी पसंद आई मुझे, तो ऑलरेडी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे मुझसे जुड़िए और आप ले सकते हैं, और थोड़े से फीचर्स और हम लोग देखते हैं इसमें और क्या फीचर्स मिलते हैं। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और एक बार बैक कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सीयर पंप्स का भी डेटा इसने दिया हुआ है। सीयर पंप पे अगर आप काम करते हैं तो मान लीजिए मैंने कि कोई बॉश का पंप ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट किया हुआ है और इसमें मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको मेन और रिटर्न की क्वांटिटी आपको पंप की बता देगी, क्योंकि फ्लो मीटर में ऑलरेडी पंप और पंप का मेन और रिटर्न दिया हुआ है, तो उससे आप काम कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस दिया हुआ है, काफ़ी इसमें पैरामीटर्स दिया हुआ है सेम टू सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो ओवरऑल बहुत ही डीप स्टडी में है, बहुत अच्छा काम करती है, फेलियर्स कम है, आपको अब मैं नहीं बोल सकूँगा 100% नहीं बोल सकते हैं, बट फिर भी मशीन ऑलमोस्ट फेलियर नहीं के बराबर है। तो और देखते हैं इसमें जो हमारे मेन में चीज़ें हैं, मैंने आपको सीयर पंप बताया, ये भी पंप की इसमें दे दी है, इसमें भी आपको जो डेटास है आपको मिल जाएंगे इसके ऊपर, तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। तो हम कैटरपिलर्स में चलते हैं, कैटरपिलर्स में देखते हैं, ये देखिए ऑलरेडी पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया क्योंकि 320D और स्पेशली बॉश डेल्फी डेंसो में तो बिलोंग नहीं करता, इसलिए वो ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें अपन आगे जाएंगे तो सेम आपको ये देखिए ये आ गया, ये यहाँ पे आपको स्पेशली सारे रीडिंग्स आ जाएंगे, मेन रिटर्न और आपको पूरी चीज़ आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा है। देखिए इसमें भी आपको रिस्पॉन्स में भी रिपोर्ट मिलता है, सारी चीज़ें आपको भी मिलती है, यहाँ पर भी देखिए ये भी आपको मिल गया, आपको मेन रिटर्न मिल गया और सारी टेस्टिंग इसमें भी करेगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या फीचर्स दिए, यहाँ तक हमारे फीचर्स हमने चेक किया, देखिए यहाँ पे यूनिट इंजेक्टर और यूनिट पंप का भी आपको दे दिया गया है, तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इन फ्यूचर में अगर आपने कैन बॉक्स खरीदा है और आपके पास है और यूनिट इंजेक्टर का आप काम करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको कंट्रोलर एक अलग से नहीं लेना पड़ेगा, इसी कंट्रोल से आपको कॉर्ड और एसेसरीज लेके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका में भी अच्छा काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और एक फीचर्स हम जरा देखते हैं इसमें और क्या है, तो ये हमने देखा यहाँ तक। अब एक और है कि मैकेनिकल सेटिंग भी इसमें दी हुई है मैनुअल मोड में, इनकेस अगर आप कंप्यूटर के सिस्टम से नहीं काम करना चाहते, आप मैनुअल मोड में काम करना चाहते हो तो ये भी फीचर्स दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देखिए स्पीड हम दे दिया आपको, मेन तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी ड्यूटी साइकिल जो और रेल का प्रेशर तीन को आपको नॉर्मल कंट्रोलर से आप लोग काम करते हो तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस जगह से मैंने पल्स विड्थ को कर दिया, जैसे नॉर्मल आप 1500 में आप लोग काम करते हैं तो ये हमने 1500 में ले आया
और ये आपका रेल प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया, और स्टार्ट इंजेक्टर करेंगे तो ऑलरेडी आपने सेट करके रखा हुआ, उसके हिसाब से ये पैरामीटर्स दे देगा। तो ये टोटल मैनुअल मोड हो गया, जैसे कि हमारी नॉर्मल इंडिया की मशीनें काम करती है। तो जिनको कंप्यूटर सिस्टम में नहीं काम करना, कभी मान लीजिए कोई ऐसे इंजेक्टर इसमें आपको अपना पर्सनल डेटा डेवलप करना है या पर्सनल उस चीज़ों को मॉनिटर करना है या आपको जानने की कोशिश करनी है, तो आप मैनुअल मोड में भी काम कर सकते हैं। और इसमें एक फीचर्स मुझे और एक अच्छा लगा है मैकेनिकल पंप सिस्टम का, जो हमारे नॉर्मल जो 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर 10 सिलेंडर की मशीनें होती हैं, अगर उसको आप मॉडिफाइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जितने भी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जितने भी आपको सीसी में जो आप लोग डीजल को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई इतना सीसी आया ये हुआ, तो ये फुल्ली इसको डिजिटल किया जा सकता है। तो इस मशीन की सहायता से आप इसमें देखिए, इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग है, स्पीड मॉनिटरिंग है, आपको काउंट दिया हुआ है, ठीक है, तो और ये आपके डिस्प्लेसमेंट दिए। तो ये पंप के साथ भी अटैच कर देंगे अगर आप नॉर्मल देसी मशीनों में भी, तो भी अच्छा काम कर सकता है। मतलब अपन किसी मशीन को इस कंट्रोल के माध्यम से काफ़ी एडवांस मशीन के मोड में ले जाया जा सकता है। मतलब अब इस मशीन अगर आपने ले लिए तो आपको मॉडिफाइड और कोई एडवांस मशीन लेने की जरूरत नहीं, आपकी रेगुलर मशीन में ही आप एडवांस काम कर पाएंगे। तो वैल्यू फॉर मनी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो है कोडिंग। कोडिंग में देखिए, हमने स्पेशली मैंने तो सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहे हैं हम लोग कोडिंग में प्रॉब्लम जो डेल्फीज की है, तो मान लीजिए डेल्फी का हमने किसी इंजेक्टर को लिया है और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जैसा कि आप ऑलरेडी हम करते ही हैं, अब ये कंटिन्यू हमने करेंगे, तो यहाँ पे उसने कोड जो उसके इंजेक्टर के ऊपर लगा रहता है उसको हमने इसमें लिख देना है, और उसके फिर हमको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद एक आगे आपको स्क्रीन आती है जिसमें वो अलग अलग मॉडल्स में आपको उस मशीन को टेस्ट करेगा और स्पेशल एक कोड को जनरेट करके दे देगा। तो जब वो कोड को जनरेट करके दे देगा, उस जैसे ये स्क्रीन मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये स्क्रीन है, यहाँ पे आपने क्या किया, अलग अलग इसने टेस्ट किया है, ये सारे टेस्ट वो करेगा, करने के बाद वो एक रिजल्ट निकाले कि ओवरऑल इस इंजेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, और उस रिजल्ट के हिसाब से वो उस पर्टिकुलर ईसीएम को बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए कमांड के रूप में एक कोड जनरेट करेगा, और उस कोड को आप अपने कस्टमर को दे दीजिए और उसको बोलिए भाई ये आपने 4 इंजेक्टर दिया था, ये चारों के कोड ये हैं, तो इस कोड्स को आप इसमें अप्लाई कर लीजिए, और जैसे ही आप स्कैनर के थ्रू इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपके इंजेक्टर्स की परफॉर्मेंस और नॉकिंग और जो अदर इश्यूज रिलेटेड हैं वो आपके फिनिश हो जाएंगे। तो ये आपको बेस्ट मिलता है। ओके, तो मेरे पास एक कैटलॉग है, जरा इसमें फोकस कीजिए, तो मैं कैटलॉग में आपको बता दूं कि कैसे इसमें कोड्स को बताता है। ये देखिए, ये आपको स्पेशली बॉश में जो आपको दिया हुआ IMS 7 में ये कोड आपको दिखाएगा, यहाँ पे डेंसो का दिया हुआ है, ये कोड उसने उठाया हुआ है, और ये आपके डेल्फी का दिया है। मींस ओवरऑल आपको कोड मिल जाता है, और उस कोड को अगर आप स्कैनर्स को दे देते हैं, जो भी आदमी स्कैन कर रहा है, और स्कैनिंग के थ्रू अगर कोड को अप्लाई कर देते हैं, तो ईसीएम डिटेक्ट कर लेता है कि भाई इस पर्टिकुलर इंजेक्टर में कमजोर है, उसके हिसाब से किस टाइप के सिग्नल्स देने हैं, इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो कोड का असली मतलब ही ये है कि किसी पुराने इंजेक्टर को परफॉर्मेंस को सही इंक्रीज करने के लिए ईसीएम्स को सही प्रकार से कमांड देना, मींस कम्युनिकेशन करना, तो वो आपको कम्युनिकेशन करवा देगा जिससे आपकी गाड़ी के परफॉर्म हो जाए। तो हम एक बार मैं बैक करता हूँ, इसमें भी सेम फंक्शन है, फास्ट लो सारे फंक्शन दिए हुए हैं, और ये आप जो मैंने आपको बताया, और एक लास्ट आपको मैंने आपको बताना चाहता हूँ, AHE फंक्शन, जो कि काफ़ी लोग परेशान हैं सिंगल सिम्स के लिए, तो स्ट्रोक टेस्टिंग के सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। और तो ये ओवरऑल मशीन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आप लोगों को बोला चलो इसके ऊपर एक डिटेल्स बताते हैं। ऑलरेडी मशीन हमारे पास अवेलेबल है, और भी हम लोग स्टॉक्स में अवेलेबल करवा रहे हैं, काफ़ी ऑर्डर्स है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि शुरू से ही हम लोग आपके लिए हमेशा नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी एज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल के इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैंने स्पेशली बीई किया ऑटोमोबाइल्स में, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि उस नई चीज आपके लिए ली जाए जो आपके काम को आसान बनाए। तो आगामी समय में यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके भी कुछ सुझाव आमंत्रित करता हूं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हम आपको और भी बेहतरीन सुविधाएं दे सके, तो सबके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। और स्क्रीन में दिए हुए नंबर से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेब पेज और हमारे जो पोर्टल्स हैं वो हैं, और हमारी सर्विसेज चालू हैं आपकी सेवा के लिए। धन्यवाद।